हाथों में लेकर के गुरु सेवा में लगो। भक्ति ऐसी तैसी नहीं है। Should be ready to preach my mission in whole world. All have to submit by any means or whole energy. I know that there are so many qualified persons. So all will be song, and also this will be my book. First read. Take the essence, follow, and also this will be my mission. My mission is not different from Srila Rupa Goswami or Srila Chaitanya Mahaprabhu. I think you could help me in preaching about our whole world, like as the Jaina Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. I used to be inspired by. I am inviting all also not you only, go to your countries everywhere and bring more 10 each person. When we will go from here, weep and come to this place. Oh, Govinda Damodar was going here so sweetly. So many devotees were special. So sweet Harikatha was going. Remember this and always see me here with all devotees. Don't forget me. Always see like this. अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपराय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदाक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महंतं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपराय केशवभिन्न रूपिणे श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन रूपधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासारी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज हम सब यहाँ हमारे परम आराध्यतम दीक्षा गुरुपाद पद्म युगाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की शुभ जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस महोत्सव में सम्मिलित या किसी भी प्रकार से योगदान करने वाले सभी दीक्षित और अदीक्षित भक्तगण भगवान के कृपा पात्र तथा परम सौभाग्यशाली हैं। जिन लोगों ने उनका साक्षात दर्शन नहीं किया उनके लिए शिला गुरुदेव की संक्षिप्त जीवनी चित्रित की जा रही है। महाराज जी कह रहे थे 2008 का ये किस्सा है। रात्रि को हम जब हम शयन कर रहे थे तो श्री जी की लीला जब होती है तो वो अनूठी लीला होती है। सपने में जो लीला हुई तो ठीक है, हमको आदेश हुआ कि वृंदावन धाम में नारायण महाराज जी आए हुए हैं तो उनको श्री जी का प्रसाद पहुंचाओ, वो हमारी सखी है। लगे ठीक है, तो हम लोग राजभोग का प्रसाद लेके यहाँ से महाराज के पास में नारायण महाराज जी के पास में गए। ये अपना मंदिर है लाल पत्थर का जो बना हुआ है ये वाला मंदिर, तो नीचे उनके कोई शिष्य थे, कौन थे ये तो हम जानते नहीं है। वो हमको सर्वप्रथम मां मिले, हमने उनको बताया कि भाई महाराज को हमको प्रसाद देना है। किस्सा तो नहीं बताया उनको, तो लीला जिसके साथ घटे तो ही उसी को तो बताई जाएगी। बोले आप ये प्रसाद हमको दे दीजिए, हम महाराज को दे देंगे। बोले नहीं, हम उनसे क्या बोले नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा, मैं प्रसाद तो उनको ही देना है। बोले नहीं वो नहीं मिल पाएंगे, अभी नहीं मिल पाएंगे तो हम अपने घर चले, भाई हम भी ब्रजवासी हैं। तो बोले अच्छा रुको हम देखते हैं। ऊपर गए, महाराज जी से विनती की ऐसे ऐसे सेवा कुंज से प्रसाद लेके आए हैं आपके लिए। तो महाराज जी से हमारी भेंट हुई, महाराज जी ने प्रसाद को लिया, प्रसाद को प्रणाम किया तो उनको ये किस्सा बताया गया कि भाई रात्रि को हम शयन कर रहे थे और श्री जी ने जब आदेश दिया तो उस आदेश का पालन तो करना पड़ेगा क्योंकि वृंदावन में हमारी एक सखी रह रही है, उसको प्रसाद दे के आओ। तो हमने महाराज जी को प्रसाद दिया, वो किस्सा सुनाया तो महाराज जी बड़े गदगद हुए, हमको भी बड़ा उनसे मिलके आनंद आया। एक घंटे तक हमारा सत्संग भी चलता रहा तो उनके शिष्य ने हमको भेंट दी, महाराज जी ये लो, मैंने ये सब लेने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ लीला दूसरी है। और महाराज जी नारायण महाराज कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, ये अवतारी पुरुष होते हैं ब्रज के अंदर। अवतार लिया, निकुंज लीला हुई और राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रमोहन, ऐसा पिंटू भैया के नाम से हमको सब जानते हैं। न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवा नाम न विद्यते। वैष्णवों का जन्म और कर्म दिव्य है, उनका इस जगत में प्रकट और अप्रकट होना भगवत इच्छा के अधीन है। शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्यों में अग्रगण्य हैं। उनका दिव्य आविर्भाव गंगा तट पर स्थित तिवारीपुर नामक गांव बिहार में माघ मास में मौनी अमावस्या को 1921 में हुआ। उनके जन्म का नाम श्रीमन नारायण तिवारी था। इनका परिवार अत्यंत धार्मिक था और ये त्रिवेदी ब्राह्मण कुल के थे। बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ धार्मिक सभाओं और कीर्तन में सम्मिलित होते थे। शिला नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी के तत्व सिद्धांतपूर्ण वक्तव्य को श्रवण कर शिला गुरुदेव की उत्कंठा ब्रह्मचारी जी के गुरुजी से भेंट करने की हुई। 1946 फरवरी में नवदीप धाम में वे सर्वप्रथम शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से मिले। उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने शीघ्र ही गृह त्याग कर संपूर्ण जीवन शिला भक्ति प्रज्ञान के चरणों में समर्पित महाराज जी ने गौर पूर्णिमा के दिन शिला गुरुदेव को हरिनाम और दीक्षा मंत्र दिए।
उस दिन से उनका नाम श्री गौर नारायण हुआ। उनका विनम्र स्वभाव देखकर परम गुरुदेव ने उन्हें भक्त बांधव की उपाधि से भी विभूषित किया। 1954 में उनके गुरुजी ने उन्हें संन्यास प्रदान किया और उनका नाम श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हुआ। साथ ही उन्हें श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा के मठाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। शिला परम गुरुदेव द्वारा उनको गौड़िया वेदांत समिति का उपसभापति नियुक्त किया गया और साथ ही हिंदी प्रकाशन व मासिक भगवत पत्रिका का मुख्य संपादक नियुक्त किया गया। 1968 में परम गुरुदेव के अप्रकट होने पर शिला गुरुदेव ने न केवल उनकी समाधि की समुचित व्यवस्था की बल्कि प्रतिवर्ष गौर मंडल एवं ब्रजमंडल परिक्रमा का भी सुचारू रूप से संचालन किया। अपने गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से उनकी आज्ञानुसार शिला गुरुदेव ने पूर्व पूर्व वैष्णव आचार्यों और गोस्वामी वर्गों के 80 से अधिक संस्कृत और बंगला ग्रंथों को अपनी मातृभाषा हिंदी में अनुदित किया, जिनका आज विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। उदाहरण के लिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और भागवतम को समझने के लिए गोस्वामी ग्रंथ जैसे उज्ज्वल नीलमणि, संकल्प कल्पद्रुम, उत्कलिका वल्लरी, रास पंचाध्यायी आदि का संकलन और प्रकाशन किया। अतिरिक्त श्री चैतन्य चरित्र पीयूष, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, श्री श्री चैतन्य शिक्षामृत, प्रेम प्रदीप, उज्ज्वल नीलमणि किरण, वैष्णव सिद्धांत माला, गीत गोविंद, शिव तत्व, राग वर्तम चंद्रिका आदि को भी प्रकाशित किया। उन्होंने इन ग्रंथों को जनसाधारण के लिए स्वहस्त लिखित भावार्थ और टीकाओं के द्वारा बोधगम्य और सरल बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत उनका चिरऋणी और चिर कृतज्ञ रहेगा। इस कार्य के लिए जब तक सृष्टि रहेगी
वैष्णव जगत में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में देदीप्यमान रहेगा। I ask Gurudev that so many devotees are thinking that your books might as well be in Chinese because nobody can understand them. There's so much Sanskrit verses and Sanskrit terms. So Gurudev said, it doesn't matter. No harm if they can't understand it. If the books simply get out into the world and people keep them, even if they don't read them, other people will read them and our purpose is served. There's a controversy now in our Sangha, Ray of Love should be going to the public, and your books like Bhakti Rasamrita Sindhu or other big books, Brahma Samhita, is only for the devotees. No, at all. All of your books are for all people? Yes. They say that it will be like Chinese or some other language. What? So our books should be go to all, whether they are Nastic, Astic, religious, non-religious, all. So even if they don't understand the language, they get some Sukritis in their heart? No harm. Okay, somebody else, thank you. If they will keep the book, our purpose will be solved. The book will find. And somebody will come to their house and read it, even if they don't. Srila Gurudev was saying, when he was in the midst of publishing 5 books, he said that all these books are lining up and calling out, publish me first. No, publish me first. He said, we're spending lakhs of dollars to publish these books, and when they're published, I don't want them in cold storage, but I want them distributed in cyclic order. That is, as soon as they're printed, they're distributed. Then they're finished, and then we reprint. लोभिया ये जन कितार्थ होइबे नाथ कबे है न कृपा लोभिया ये जन। सो गुरुदेव सेंटेनियल कमिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर द होल वर्ल्ड। वी कैन ऑब्जर्व द सेंटेनियल सो मेनी वेज। So we have to, as much as possible, to pray, spread His glory all over the world through His Bani. Bani means like books. What Gurudev written books, each and every book, so beautiful, so nice. If we really want to glorify Gurudev's glory, then we should read as much as possible books. Any book will change our life. Believe me, my change life, how change? Listening from Gurudev and working is publication. So I have to read, you have to read it first and then to tell, oh, this is in this book. And you can take book and give to others also, to whom you love. Oh, please read book, how much you will change in your life. If all living souls, special human being, they don't want to suffer. They want to peace and tranquility of mind eternally. If you read Gurudev book, I have full faith, I am guarantee. I am the light post, then you will be happy. So I am my request, take book, read and take more to distribute. Srila Gurudev ne Hindi, Bangla aur Angrezi mein desh videsh mein Hari Katha ka atyant sundar roop se prachar kiya. Bhavishyat ke liye in kathaon ko
संरक्षित करके रखा गया है। जो श्रद्धालु जन आज भी श्रील गुरुदेव का संग उनकी वाणी के माध्यम से करना चाहते हैं, वे उनकी हरि कथा pureBhakti.tv पर श्रवण कर लाभान्वित हो सकते हैं और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ pureBhakti.com पर उपलब्ध हैं। कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। ये सनातन धर्म, हम लोग इस सनातन धर्म के संबंध में गीता के तो कुछ हमने बतलाए, तब एक चीज जरा बतलाना भूल गया, फिर उसको बतला दें। गीता के तीन विशेष भाव याद रखेंगे, एक है गुह्य, एक है गुह्यतर और एक है गुह्यतम, और उसके बाद में सर्व गुह्यतम उपदेश। गुह्यतर उपदेश क्या है? आत्मा नित्य है, गुह्य ये जीवन मरण से ऊपर है, इस चीज को समझो। इसलिए जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, इसमें बतलाया गया नहीं नंग छिदंति शास्त्राणी नंग दहति पावक इत्यादि वंशास जीर्णानी जथा दिया, ये बतलाया गया। अब ये तो हुआ गुह्य, अब इस चीज को जान करके अनाशक्त हो करके अपने वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन करते हुए जीविका निर्वाह करते हुए तत्व ज्ञान के साथ में भगवान को जानने का नाम ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ये गुह्यतर ज्ञान जिसमें परमात्मा की उपासना होती है, उनका एक शरीर भी माना जाता है। कुछ लोग भगवान का शरीर नहीं मानते, ब्रह्म का शरीर नहीं मानते, वो कहते हैं कि भगवान का शरीर होने से तो उनका जन्म मरण हो जाएगा, जैसे कृष्ण का जन्म और मरण हुआ, राम का जन्म मरण हुआ। किंतु यह गलत बात, आज यदि उनका जन्म है तो वो कैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जन्म लेते हैं 16 वर्ष का? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, चतुर्भुज रूप को देख करके हाथ जोड़ने लगे, किसी को चार भुजा वाला एक साथ में 16 वर्ष का बच्चा होता है। रामचंद्र सारी अयोध्या को लेकर के अपने शरीर से पुष्प विमान से चले गए अपने गोलोक में, कृष्ण अपने शरीर के साथ ही चले गए। जो बीस खाया मरा नहीं, आग खा लिया मरा नहीं, गोवर्धन पर्वत को एकदम उठा लिया, वो आदमी है, उसका जन्म हुआ। वो खंभे से निकल सकता है, वायु से निकल सकता है और फिर अपने शरीर को अंतर ध्यान कर ले। ये आंखें उनको नहीं देख सकती है, पहले समझो। जो आत्मा को देख सकता है वही परमात्मा को भगवान को देख सकता है, इसलिए उनका जन्म नहीं है। ये सब जो ज्ञान है ये परमात्म ज्ञान है, और इससे ऊपर वाला मनमना भव मद भक्तो, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। ये क्या चीज है? कृष्ण ही स्वयं भगवान है, भगवत्ता की परम सीमा है। ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वह प्रेम का देवता है, उसका शरीर कैसा है? प्रेम का है, वो कभी जन्मता मरता नहीं, वो प्रेम ही प्रेम है।
और अपने शक्ति के साथ में, वो कौन है? राधा जी हैं उनकी शक्ति। गीता में केवल कृष्ण तत्व बतलाया गया, जीव तत्व बतलाया गया, प्रेम तत्व बतलाया नहीं गया। इसलिए गीता में, गीता को कहते हैं भागवत, गीता को प्रारंभिक पुस्तक धर्म की, पहली पुस्तक क ख ग घ, और भागवत क्या है? PhD के ये पढ़ने वाली ये पुस्तक है, अंतिम सोपान की पुस्तक। उसमें प्रेम की व्याख्या है, वह पर ब्रह्म कृष्ण गोपियों का चरण पलोड़ता है जिस प्रेम के द्वारा, नंद बाबा की ज्योति को लेता है और अपने को कृतार्थ मानता है, रामचंद्र जी पर ब्रह्म हो करके किस प्रकार से जंगल जंगल में जो ऊपर के अब प्रेम जगत में करना सिखाए, विशेष करके कृष्ण जो है ये प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। इस चीज को समझना चाहिए, जितने भी अवतार हैं सब इसी कृष्ण के ही अवतार हैं। समय अधिक नहीं है, एक दो दिन में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो मैं यही कहूंगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं डंके की चोट से व्यास जी ने, जिसने भागवत गीता लिखी उसी ने तो भागवत लिखी, उन्होंने वेदांत उपनिषद किए, वेदों के चार विभाग किए, फिर भी खुश ना रह सके। उन्होंने सबसे पहले वेदों का विभाग किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेदव्यास। फिर उन्होंने सबको मिलाकर के सार लिखा, उसका नाम हुआ वेदांत दर्शन। वेदांत माने क्या है? वेदों का अंत, उसको कहते हैं वेदांत। वेदों का अंत क्या है? विष्णु ही परम, विष्णु ही परम तत्व है। तो इस तरह से वेदांत भी लिखा और स्त्री शूद्र सब लोगों के लिए महाभारत की रचना की। उस महाभारत का एक अंश में, महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत में 18 पर्व वाला ये गीता है, ये महाभारत के अंतर्गत है। इसकी भी रचना हो गई, पुराणों की एक रचना की, 36 पुराण, 18 पुराण, 18 शाखा पुराण, 18 उप पुराण लिखे। सब लिख करके अपने आश्रम में कुटी में बैठे थे और दुखी थे, संतुष्ट नहीं थे। उसी समय में घूमते घामते नारद ऋषि ही आए। नारद जी ने कहा, अरे तुमने तो धर्म के समस्त ग्रंथों को लिखा, वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की, वेदांत शास्त्र रचना की, पुराणों को प्रकाश किया, और तुम जगत के धर्म गुरु हो और तुम दुखी हो, क्यों क्यों दुखी है? प्रभु ये तो है, मैं रोगी हूं, मैं नहीं जान सकता, आप मेरे गुरु हैं, वैद्य हैं, आप जानते हो। रोगी अपना रोग का निर्णय नहीं कर सकता, रोग का निर्णय कौन करेगा? वैद्य करेगा। तो आप वैद्य हैं, संसार के वैद्य हैं, आप बतलाइए क्यों हुआ। उन्होंने कहा, जे तुमने संक्षेप में बतला रहा, तुमने सब कुछ किया किंतु भगवान श्री हरि का कौन है ये कौन है, और इनका अमल जो गुणानुवाद है ये तुमने कहीं नहीं लिखा। तुमने लिखा ये कृष्ण भगवान है तो नहीं, तो तुमने लिखा ये प्रेम के वश में हो जाते हैं, ये तो नहीं लिखा। गोपियों के चरण पलोड़ते हैं ये लिखा तो नहीं, तो गोपियों के ऋणी हैं ये लिखा तुमने तो नहीं, तो कृष्ण के लिए उनको तुम समझो और फिर उसको लिपिबद्ध करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुमने कैसे समझूं? आए भक्ति जो का अनुशीलन करो, भक्ति माने क्या? समर्पण करो, आत्मसमर्पण। इस विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा संसार में भगवान को नहीं जाना जा सकता, आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। ये आंखें तो अपनी आंखों को भी नहीं देख सकती, क्या हम दूसरों को देखेगी? इसलिए इस चीज को समझो, भक्ति योग माने आत्मसमर्पण को, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आपकी कृपा से मैं आपको जान सकता, से ही जाने जेह देव जनाई, जिसको आप कृपा करके जना देंगे वही जान सकता है, दूसरा नहीं, नहीं तो वह शरीर को ही सर्वस्व समझता है। इसलिए भक्ति योग का अवलंबन। मथुरा वृंदावन ब्रजधाम के सभी भक्तजन, जगन्नाथपुरी के प्रमुख पंडा जी और देश विदेश के गणमान्य व्यक्ति श्रील गुरुदेव को अत्यंत स्नेह करते थे और ब्रजपीठ ऊंचा गांव व वर्ल्ड रिलीजियस
पार्लियामेंट ने संयुक्त रूप से शिला गुरुदेव को युगाचार्य अर्थात इस कलयुग के आचार्य के रूप में चयन किया। गुरुदेव के बार बार उदासीनता प्रकट करने पर भी शिला गुरुदेव को ही इस उपाधि के उपयुक्त समझा। उनके बार बार अनुरोध करने पर तृणादापि सुनिचेन के मूर्तिमंत उदाहरण शिला गुरुदेव ने समस्त गुरु परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में इस उपाधि को ग्रहण करना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें गुडविल अम्बेसडर की उपाधि से विभूषित किया और ऑनररी सिटीजनशिप भी प्रदान की, जिससे उन्हें अमेरिका जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ब्रज की अनेकों लीला स्थलियों जैसे उद्धव क्यारी, ब्रह्मकुंड, कालियादह आदि का जीर्णोद्धार किया। उनकी ब्रज और ब्रजवासियों के प्रति अनुराग देखकर उन्हें ब्रजाचार्य की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। शिला गुरुदेव का संबंध सभी समकालीन गौड़िया वैष्णव आचार्यों के साथ अत्यंत मधुर था। इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ भी उनके प्रगाढ़ संबंध थे। उन्होंने स्वामी जी की संन्यास प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाई, उन्हें संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। वृंदावन में स्थित राधा दामोदर मंदिर में उनकी सेवा की और विदेश में प्रचार के लिए भी पूर्ण सहयोग किया, जिसका प्रमाण उन दोनों के प्रेम के साक्षी पत्र एक पुस्तक माई प्रिय बंधु एंड शिक्षा गुरु में है। स्वयं स्वामी जी ने शिला गुरुदेव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में निर्णित किया। अपने शिष्यों को शिक्षा देने व स्वयं को समाधि देने का दायित्व भी उन्हें सौंपा। Hara Dhanani Chalana
चतुर्विधासी भगवत प्रसाद सर्वान्न तृप्त्यान्न हरिभक्त संहान तृप्तैव तृप्तिं भजतो च शिला गुरुदेव ने 30 से भी अधिक बार गौरवाणी के प्रचार के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और वीर्यवती कथाओं से प्रेरित हो देश विदेश के भक्तों के द्वारा उनके अनुगत्य में 100 से भी अधिक मठों में आज भी प्रचार चल रहा है। रागमार्गीय भगवत भक्ति का प्रचार पूर्ण कर 29 दिसंबर 2010 को जगन्नाथपुरी में शिला गुरुदेव राधा विनोद बिहारी जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए और संपूर्ण जगत को शोक सागर में निमज्जित कर गए। आज प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान न होने पर भी वे हमारा मार्गदर्शन अपनी वाणी और ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। देव के चरणों में प्रार्थना है कि वे ठाकुर जी की सेवा में सभी को इस धराधाम पर और जीवन शेष होने पर भगवत धाम में नियुक्त करें। प्रेमानंदे हरि बोल।
मुझे अचू मेरा प्रभु को था गिला नारायण गोस्वामी ठाकुर हे अनिल प्रेम धन Please give me the power to respect all beings in the proper way, O Master. Please give me the power to respect all beings, all with yours. I'm completely fallen without strength or judgment. Please break my heart and soul with yours. I'm completely fallen. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः